अस्सलाम वालेकुम जनाब। अच्छा, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने और बहुत सारे मेरे फैंस ने मुझे कहा था, चलो ऐसा किसी ने मुझे कहा नहीं कहा था, कि आप जो हैं इंट्रोडक्शन सही नहीं बनाते। तो हियर आई एम, आज मैं इंट्रोडक्शन आप नहीं देते, आप किधर जा रहे हैं, आप जाकर आप बताते हैं कि मैं इधर जा रहा हूँ। थोड़ी सी उस जर्नी की भी बताया करें कि यार अब मैं इधर आ गया हूँ, अब मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, और मैं इधर मतलब इधर से मैं आया हूँ। तो हियर आई एम, अभी मैं यहाँ पर ये कॉर्निश रोड की तरफ से जाऊँगा। और कॉर्निश जो है वो टेक्निकली कहते हैं, जैसे हम बीच नहीं कहते, उधर से बीच वाली जो रोड है उधर से मैं जाऊँगा, और उधर से फिर मैं मतलब बिल्कुल जैसे मतलब जो पानी की तरफ से होते 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 फिर मैं वहाँ से फिर मैं आगे जाऊँगा। आगे कहाँ जाऊँगा अभी देखता हूँ। बाकी मैं ये देखूँगा कि अभी जब मतलब वहाँ पर मैं पहुँचूँगा तो किधर पहुँचूँगा, कहाँ से कहाँ जाना है, क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है रास्ते का, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि यार कौन सी जगह कहाँ से कहाँ आती है। तो लेट्स होप कि द फाउंडर्स मेमोरियल, दोबारा मैंने पढ़ा है अभी, द फाउंडर्स मेमोरियल ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ यूएई शेख अल जैद सुल्तान अल नहान। ओके, और सेकंड, काफ़ी मेरे व्यूअर्स ने मुझे ये कहा और काफ़ी मेरे फैंस ने मुझे ये कहा है कि मैं एक ही कपड़ों में मैं ये बना रहा हूँ। तो मसला ये है कि मेरे जो बाकी कपड़े हैं वो मैंने एक और घर में रखे हुए हैं, और उधर से मुझे लाने में मसला, क्योंकि वो बहुत बड़ा सूटकेस है और मैं होता हूँ साइकिल पर, तो अब लाना मसला है। तो कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता मैं कपड़े अपने ले आऊँ और फिर यहाँ पर रखना दूसरी जगह पर, तो एक मरहला है ये मेरे लिए। तो अभी चलते हैं, रास्ते में बताता रहूँगा। ओके, ये है जी रास्ता मेरा, इधर से मैं वो सीधा जाऊँगा। ये इनका क्या कहते हैं फॉर्मल पार्क है, यहाँ पर आप बारबेक्यू नहीं कर सकते, आप टेंट नहीं लगा सकते, आप जो पूल हैं उनको नहीं पिक कर सकते। बहुत अच्छा पार्क है। और इस तरफ भाई ये है जी ओशन, इंजॉय करते हैं जी यहाँ पर। यही रास्ता बिल्कुल सीधा मैंने लेना है, यहाँ से बिल्कुल सीधा मैं जाऊँगा और फिर द फाउंडर्स मेमोरियल। और हम आगे हैं जी फाउंडर्स मेमोरियल पे। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सारे ये मोमबत्तियाँ पड़ी हुई हैं, ये सारी ये पीछे देखें मोमबत्तियाँ सारी पड़ी हुई हैं। यार शाम को जो यहाँ पर माहौल होगा, तो क्योंकि 52nd इनकी यूनियन डे है, और जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर एक कुर्सियाँ भी आपको भी नज़र आएंगी, किधर है 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 यस ये अच्छा ये सारी कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। तो कोई ना कोई फंक्शन आई गेस यहाँ पर कोई ना कोई इवेंट है। तो पहले मेमोरियल देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये बना क्या हुआ है। ये है जी मेमोरियल, इसकी जो अच्छी वाली अच्छी इसकी अच्छी अच्छी पिक्चर्स है ना, वो मैं अभी आपको सेंड करता हूँ। इधर बैठ जाते हैं, बैठे इधर, दिल तो कर रहा है, अभी देखते हैं। ये मेमोरियल है, अब आंखों को कुछ करके देखेंगे, आंखों को कुछ करके देखेंगे तो आपको शेख जैद अल सुल्तान आपको नज़र आएंगे। रात को मतलब ये सारा चमकता है, यार मुझे रात को आना चाहिए था इधर सीरियसली। वो यार वो फिर वो वाला मसला है वो ब्राइटनेस का, तो वो और वो मेरी वो वाली थिंकिंग के जो काम हो सुबह होना चाहिए। खैर बाकी बिल्डिंग्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वी तो ये सारा सिनेरियो है। आज मेरे ख्याल में कोई यहाँ कोई फंक्शन है जिसकी वजह से सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर घूम फिर रहे हैं। आगे दिखाता हूँ मैं,
अच्छा, ये सारे देख रहे हो, ये वाले डिफरेंट, उस पे ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये वाला डिफरेंट है, डिफरेंट शेप्स हैं सारी, देख रहे हो, और ये वाली सारी शेप्स उधर बनी हुई है। अब हम देखते हैं कि इनका वो क्या है। पहले ये पढ़ते हैं, 4 फेस क्यूब 6 फेस ऑक्टाहेड्रॉन 8 फेस और डू डी के डी वट एवर 12 फेस 20 फेसेस द 5 प्लेटोनिक सॉलिड्स नेचुरल हार्मनी। प्लेटोनिक सॉलिड्स आर स्पेशल 3 डायमेंशनल सिमेट्रिकल शेप्स विद यूनिक मैथमेटिकल क्वालिटीज। देर आर ओनली 5 प्लेटोनिक सॉलिड्स एंड ईच वन इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ आइडेंटिकल फेसेस एंड कॉर्नर्स रिनाउंड फॉर देयर ब्यूटी। दीज शेप्स हैव इंस्पायर्ड आर्टिस्ट एंड साइंटिस्ट फॉर मिलेनिया। विद इन द कॉन्स्टेलेशन प्लेटोनिक सॉलिड्स आर यूज टू रिप्रेजेंट इंडिविजुअल स्टार्स एज इनविसेज्ड ओके बाय द आर्टिस्ट रैल्फ हेलमिक। अ पोर्ट्रेट ऑफ आवर फाउंडिंग फादर शेख जैद बिन सुल्तान अल नहिया इज रिवील्ड थ्रू दिस सेलेस्टियल कॉन्स्टेलेशन। मेरी रीडिंग इंग्लिश कितनी ख़राब हो चुकी है वैसे, सीरियसली। खैर यार, रात को जो माहौल इधर बना होगा तो ऑसम है यार, सीरियसली। अच्छा ये क्या लिखा है जी, ये क्या लिखा है, ये कह रहे हैं जी, इन द डेजर्ट एनवायरनमेंट द गैफ ट्री विच कैन लिव अप टू 120 ईयर्स प्रोवाइड्स वैल्यूएबल शेड एंड शेल्टर फ्रॉम द विंड। द बिडोयन पीपल वुड ईट द लीव्स with rice and grind up its seeds to make bread. Its timber was used for fuel and construction. Traditionally, the leaves were also used to treat toothache and eye complaints, while extracts from the crushed seed pods were used as eardrops. ये है जी, पता नहीं इसको उर्दू में क्या कहते हैं। लॉसम चलें जी, आज के लिए इतना ही, और मेमोरियल देख लिया हमने जी, फाउंडर्स मेमोरियल। और भाइयों यार, एक और मुझे बात बताओ, इतने व्यूज़ होते हैं तो इतने सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं है? सब्सक्राइब तो करो ना यार, क्या आपका क्या जा रहा है? ठीक है, आप साथ साथ सब्सक्राइब भी करो और साथ साथ शेयर भी करो, ठीक है? तो अपने अपने सोशल मीडिया पे चुप करके सारे शेयर करना शुरू हो गए तो यार, हमें भी तो ज़रा कोई मिले ना, मैसेज मिले, कोई वॉल्यूम मिले हैं। चलो ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए।